ये बात तो यहाँ पर हम सभी जानते हैं कि भारत और वेस्ट इंडीज के बीच में 3 मैचों के वनडे सीरीज का समापन हो चुका है और इसके तो क्या ही कहने। टीम इंडिया ने वेस्ट इंडीज को कर दिया है क्लीन स्वीप। जी हाँ, भारत और वेस्ट इंडीज के बीच 3 मैचों के वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला त्रिनिदाद के पोर्ट ऑफ स्पेन में खेला गया, जहां तीसरे और आखिरी वनडे में टीम इंडिया के कप्तान शिखर धवन ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। वहीं पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने वेस्ट इंडीज के सामने 257 रन का टारगेट दिया था, लेकिन इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी वेस्ट इंडीज टीम महज 137 रन पर ही ढेर हो गई। वहीं 3 मैचों की इस वनडे सीरीज में टीम इंडिया ने क्लीन स्वीप कर 3-0 से सीरीज अपने नाम कर लिया है। हम आपको बता दें कि बारिश की वजह से ये 50-50 ओवर का खेल नहीं बल्कि 35 ओवर का ही कर दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद भी DLS मेथड से टीम इंडिया ने इस मुकाबले को जीत लिया और वेस्ट इंडीज की टीम को कर दिया है ODI के अंदर क्लीन स्वीप। जी हाँ, और वहीं इस सीरीज में लगातार 3 मुकाबले हार कर कोलस पूरन तिलमिला उठे हैं, उनका गुस्सा फूट गया है और उन्होंने जो भारत को लेकर कहा है वो आपको भी हैरानी में डालेगा। तो आइए जानते हैं भारत से क्लीन स्वीप होने के बाद क्या कहा है वेस्ट इंडीज के कप्तान निकोलस पूरन ने। वीडियो में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे सब कुछ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप ही हैं टीम इंडिया के बहुत बड़े फैन तो वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाएं ताकि क्रिकेट जगत की तमाम बड़ी अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो खैर, हम आपको तो ये बताएंगे ही निकोलस पूरन आखिर क्यों तिलमिला उठे और आखिर गुस्से में क्या बोल गए भारत के ऊपर। अब ये बताने से पहले हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि अब 29 जुलाई को 5 T20 मैचों की सीरीज शुरू होने जा रही है, जिसमें कप्तान रोहित शर्मा की वापसी हो रही है। हालांकि प्रमुख खिलाड़ी जैसे विराट कोहली को एक बार फिर से आराम दिया गया, युजी चहल को आराम दिया गया, लेकिन बाकी प्रमुख खिलाड़ी इन 5 मैचों की T20 सीरीज के लिए वेस्ट इंडीज के सामने खेलते हुए नजर आएंगे। लेकिन अब आइए आपको बताते हैं क्या कहा निकोलस पूरन ने। लेकिन उससे पहले ये भी तो बता दें कि आखिर शिखर धवन वेस्ट इंडीज को क्लीन स्वीप होने के बाद क्या बोल रहे हैं। शिखर धवन ने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कहा, ये हमारे लिए बहुत ही अच्छे संकेत हैं। मैं अपनी फॉर्म को देखकर काफी खुश हूं। हालांकि मैं इस फॉर्मेट को लंबे समय से खेल रहा हूं, वही वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहले वनडे की अपनी पारी देखकर मैं खुश था। मैं आज भी अपने प्रदर्शन से बेहद ही खुश हूं। वहीं उन्होंने कहा, उन्होंने यानी शुभमन गिल ने जिस तरह से 98 रन बनाए वो देखने लायक था। जिस तरह से सभी खिलाड़ियों ने अपना बेस्ट प्रदर्शन किया वो काफी अद्भुत था। हम यहां आकर अपना खुद को भाग्यशाली महसूस करते हैं। हम भीड़ के शुक्रगुजार हैं, यानी दर्शकों के, वे हमें और अधिक लोकप्रिय बनाते हैं। मुझे अपनी गेंदबाजी इकाई पर गर्व है। उन्होंने अपना 100% दिया। जिस तरह से सिराज ने वो 2 विकेट लिए और शार्दुल और बाकी गेंदबाजों ने जिस तरह से गेंदबाजी करी वो शानदार थी, जिसकी वजह से हम क्लीन स्वीप कर पाए हैं। तो खैर, शिखर धवन तो अपने खिलाड़ियों की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं, वहीं निकोलस पूरन जो हैं वो भावुक नजर आए। उन्होंने कहा, ये हमारे लिए कठिन था। हमने पहले 2 मैचों में काफी सही चीजें की। मुझे लगता है कि हमने अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश की। प्लेयर्स ने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन हमारे पास सुधार करने के लिए बहुत कम समय था। एक बल्लेबाजी टीम के रूप में DLS को खेल में आने से यह गेम चुनौती भरा होने वाला था। हमें कुछ साझेदारियां की, लेकिन उतनी नहीं जितनी हम चाहते हैं। निकोलस पूरन ने अपनी टीम की कमजोरी भी बताई। उन्होंने कहा, कुछ अनुभवहीन खिलाड़ी है जो अभी भी ये पता लगा रहे हैं कि एक दिवसीय क्रिकेट कैसे खेलें। आगामी न्यूजीलैंड श्रृंखला में सभी के पास एक अच्छा मौका है। गुयाना में आने के बाद हमने इस सीरीज में काफी कुछ हासिल किया। पावर प्ले में गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की, उन्हें विकेट तो नहीं मिले लेकिन यह ठीक था कि रन रेट कम थी। खिलाड़ी हर खेल के साथ अधिक आत्मविश्वास होते जा रहे हैं। लेकिन उन्होंने भारत पर कहा, भारत जैसी टीम को कभी भी हल्के में लेना किस तरह से भारी पड़ सकता है ये तो आप और हम सभी जानते हैं। भारत की किसी भी टीम को हल्के में नहीं लिया जा सकता। भारतीय टीम जिस पैशन के साथ में खेलते हैं और उनके खिलाड़ी जिस तरह का प्रदर्शन करते हैं, उनके खिलाफ सीरीज जीतने के लिए आपको भारत से भी ऊपर जाना होगा, जो कि बहुत ही मुश्किल है, चुनौतीपूर्ण है, लेकिन नामुमकिन नहीं। निकोलस पूरन भारत की तारीफ में अब कसीदे पढ़ रहे हैं और भारत से सावधान होने को कह रहे हैं बाकी टीमों को भी। लेकिन इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।